हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के साथ जो आपका ये चैप्टर चल रहा था मानवनीय तथा रंग बिरंगा संसार, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो भी न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, तो ये चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक बचे हैं। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक बचे हुए हैं, पहला तो बचा हुआ है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या? वायु मंडलीय अपवर्तन, ठीक है। अब वायुमंडलीय के अपवर्तन में कौन कौन चीज़ें आती हैं, दो इसमें हमें को पढ़ना है। पहला जो पढ़ना है वो है तारों का टिमटिमाना, ठीक है। तारों का टिमटिमाना ये वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है, ठीक है। दूसरा, सूर्योदय तथा सूर्यास्त से पहले, ठीक है, सूर्य का निलंबन, ठीक है। सूर्योदय तथा क्या यही ना है, हाँ, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ठीक है। अग्रिम मतलब कि सूर्योदय से पहले ही सूर्य का दिखाई देना, ठीक है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ठीक है। ये दो टॉपिक हमको इसमें पढ़ने हैं, किसमें? वायुमंडलीय अपवर्तन में। अग्रिम सूर्योदय का मतलब सूर्योदय से कुछ समय पहले यानी 2 मिनट पहले ही सूर्य का दिखाई देना, और विलंबित सूर्यास्त का मतलब जो है सूर्यास्त होने के बाद भी 2 मिनट तक जो है सूर्य का दिखाई देना, ठीक है। उसके बाद इसमें लास्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। इसमें देखो क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले तो हमें पढ़ना है टिंडल प्रभाव, ठीक है। इसमें जो पढ़ना है वो पहला है टिंडल प्रभाव। आज ये सारे टॉपिक क्लियर कर लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ थियरी ही थियरी है इसमें आज, ठीक है। आज कोई भी आपका ना तो ही डेरिवेशन है, ना ही कोई जो है फार्मूला है। आज केवल आपको थ्योरी और थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट आप समझते जाइए, ध्यान से वीडियो देखते जाइए, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा ये हो गया टिंडल प्रभाव, और उसके बाद है क्या है, हाँ, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ठीक है। दूसरा है आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ठीक है। और तीसरा है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ठीक है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, ठीक है, लाल दिखाई देना। तो ये इतना जो है आज के इस टॉपिक में इतनी चीज़ें कवर की जाएगी, ये कह सकते हैं कि चैप्टर में इतनी ही चीज़ें आपकी रिमेन बची हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या, तो वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना जो है अक्सर हमको देखने को मिली होगी कहाँ पर, जैसे मान लीजिए किसी चिमनी से धुआं निकल रहा हो, ठीक है, या कहीं पे आग जल रही हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आग जल रही होती है या जब चिमनी से धुआं निकल रहा होता है, तो वायुमंडलीय वायुमंडल में क्या है, एक तरीके से एयर ही एयर है, लेकिन आग के पास जो धुआं है या आग के पास की जो एयर है वो आग के संपर्क में आने से काफ़ी गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और जब वो गर्म हो जाती है तो गर्म वायु, ठीक है, हमेशा ठंडी वायु से हल्की होती है। और ये प्रकृति का या नेचर का नियम है कि जो चीज़ें हल्की होती हैं वो सीधे क्या करती हैं, ऊपर की तरफ बढ़ती हैं वायुमंडल में। तो जब नीचे यानी जो आग के संपर्क में एयर आई, ठीक है, वो क्या करना शुरू की, हवा में ऊपर उठने लगी। अब जब
वो गर्म वायु, ठीक है, हवा गर्म हो गई और गर्म होने की वजह से उसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, या उसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी नॉर्मल वायु की अपेक्षा गर्म वायु विरल हो जाता है, ठीक है। और जब वो विरल हो जाता है तो उसमें जो है धूल के कणों का मार्ग हमको दिखाई देता है, यानी जो धूल के कण हैं या और भी कण वायुमंडल में जो भी कण हैं वो गर्म वायु में क्या है हमको साफ साफ दिखाई देने लगते हैं कि वो किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं अनियमित रूप से। तो वायुमंडल की इसी अस्थिरता की वजह से, ठीक है, वायुमंडल की इसी अस्थिरता की वजह से, अस्थिरता का मतलब जो हमारे कण हैं धूल के ये क्या है फिक्स नहीं है, स्टेबल नहीं है, एक दूसरी जगह पे क्या कहते हैं टहलते घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इसी अस्थिरता की वजह से जो है तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त का समय, ये सारी चीज़ें जो है ये परिघटनाएँ जो है वायुमंडल में होती हैं, ठीक है। तो देखो इसमें तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तारे टिमटिमाते हुए कैसे नजर आते हैं। तारे जो है आकाश में काफी ऊंचे ऊंचाई पर होते हैं, सबसे दूर होते हैं, पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पर तारे ही होते हैं, ठीक है। तो जब तारों से जो प्रकाश किरण आती है वो वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित जो हमारे धूल के कण हैं या और भी कण हैं, ठीक है, उनसे इसका प्रकाश जो है वो क्या हो जाता है अपवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे ये ऊपर वायुमंडल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे तारा है मान लीजिए ये, ठीक है, यहाँ पर जो है ये तो हमने सूर्य बना लिया, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका स्टार है, तारा है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी प्रकाश किरण चलेगी, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, अब जैसे जैसे ऊपर आप जाते जाएंगे, ठीक है, वायु का अपवर्तनांक कम होता जाएगा, यानी माध्यम जो है ऊपर उतना ही विरल होता जाएगा। तो यहाँ पे जो है माध्यम हमारा विरल रहेगा, ठीक है, और जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे माध्यम हमारा क्या होता जाएगा सघन होता जाएगा, ठीक है। तो जब ये यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण विरल माध्यम से क्या करते हैं सघन माध्यम में एंट्री कर रही है, ठीक है, विरल माध्यम से क्या कर रहे हैं सघन माध्यम में एंट्री कर रहे हैं, तो वो सीधे ना आके बल्कि ऐसे अभिलंब की तरफ झुकती हुई आती हैं, ठीक है, यानी जो प्रकाश किरण सीधे आनी चाहिए वो प्रकाश किरण सीधे ना आके क्या होती है इस तरीके से इसका मार्ग जो है बदल जाता है या डाइवर्ट हो जाता है। कभी कभी जब यहाँ पे धूल के कण ज़्यादा आ जाते हैं तो ये ज़्यादा डाइवर्ज हो जाता है, कभी कभी कम डाइवर्ज होता है, यानी कम अपवर्तित होता है ज़्यादा। तो कम और ज़्यादा अपवर्तित होने की वजह से कभी ये तारा जो हमको यहाँ दिखाई देगा कभी यहाँ दिखाई देगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पहुँच रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि ये तारा अब यहाँ ना होके यहाँ पर है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद जो है कम अपवर्तित हुआ तो यहाँ आ गया, तो फिर लगेगा यहाँ नहीं यहाँ है। तो इसलिए जो है रात्रि के समय आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। अगला क्या था, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ठीक है। तो अपवर्तन की इसी घटना की वजह से जब सूर्योदय होता है, ठीक है, सूर्योदय होता है भाई, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है पृथ्वी है, अब ये क्षितिज है, क्षितिज का मतलब जैसे ये हमारे, अगर इसको पृथ्वी का सरफेस हम माने, इसके क्षितिज को ही हम पृथ्वी का सरफेस मानते हैं, अब अगर यहाँ पे कोई है तो अगर यहाँ पे कोई चीज़ स्थित है तो उसको दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा ना, यहाँ रहेगा तो भी नहीं दिखाई देगा, जब इसके बराबर यहाँ कहीं आएगा तब वो हमको दिखाई देगा। तो होता क्या है कि जब सूर्योदय होता है तो सूर्य क्या होता है ऐसे देखो यहाँ रहता है, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलता रहता है ना पृथ्वी के चारों ओर, या सूर्य स्थिर रहता पृथ्वी ऐसे क्या करती चारों ओर घूमती रहती है ना, तो क्या होता है जब सूर्य ऐसे से पृथ्वी घूमते ऐसे आ जाता है ना तो हमको सूर्य नहीं दिखाई देता, यानी सूर्यास्त हो चुका रात हो जाती। फिर ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे से जब क्षितिज का टाइम आता है, ठीक है, सूर्योदय होने वाला रहता है, तो यहाँ कहीं पे मान लीजिए अगर हमारा सूर्य है, ठीक है, तो होता क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन की वजह से यहाँ से जो प्रकाश किरणें चलती हैं वो सीधे ना आके क्या होती ऐसे अपवर्तित हो जाती हैं, तो अपवर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँच जाती हैं, आना तो चाहिए सीधे, अब क्या हो रहा है तो यहाँ लेकिन इसकी स्थिति लग रही यहाँ पहुँच गई है, ठीक है,
क्यों? अपवर्तित होने के कारण, इसकी जो प्रकाश किरण है वो अपवर्तित होने की वजह से क्या होती है, इसकी स्थिति में परिवर्तन आता है, ऐसा लगता है कि ये यहाँ ना होके यहाँ है, ठीक है। तो इसीलिए जो है सूर्योदय होने से पहले हमको ये दिखाई देता है। ठीक उसी तरीके से सूर्यास्त हो चुका है, ठीक है, सूर्यास्त हो चुका तो और अस्त हो गया, उसके बाद भी ये हमको 2 मिनट तक लगभग दिखाई देता है। और इसका रीजन क्या है, सीधा सीधा कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। अब आते हैं प्रकाश के परकीर्णन पर, ठीक है। प्रकाश का परकीर्णन क्या चीज है? तो प्रकाश का परकीर्णन की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि जब वायुमंडल में एक बैग जो है लाइट पड़ती है कणों पर, ठीक है, तो उस प्रकाश के अंदर जो हमारे कोलाइडी कण है उनका मार्ग बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, यानी वो साफ दिखते हैं कि कैसे वो ट्रेवल कर रहे हैं। इसको आप लोगों ने आभास किया होगा, जैसे किसी बंद कमरे में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और दोपहर का टाइम हो या 3-4 कोई भी टाइम हो रहा हो, और सूर्य जो है किसी एक घर में कोई एक जो है होल हो, ठीक है, उस होल से जब सूर्य एंटर करता है तो क्या होता है, प्रकाश किरण की ऐसे बीम पड़ती है ना, पूरी लाइट ऐसे आती है, तो उसमें जो है धूल के कण बिल्कुल ऐसे चलते हुए नजर साफ साफ आते हैं, ठीक है। तो वो घटना जो है हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का परकीर्णन, क्या कहलाता है, प्रकाश का परकीर्णन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला तो है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं कि अगर हमारा कोलाइडी विलयन है, ठीक है, कोई हमारा विलयन है, कोलाइडी विलयन में कण जो है इधर उधर क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, अगर उसमें हम कोई टार्च जलाएं, ठीक है, टार्च, जैसे मान लीजिए ये हमारा विलयन है कोलाइडी, अब इसमें कोई एक लाइट की बीम आ रही है, चाहे वो सनलाइट ले लो चाहे टार्च, हम मान लेते हैं हमने टार्च यहाँ से जला रखा, ठीक है, तो जो ये टार्च पड़ रही है, इस टार्च के अंदर जितनी भी, जिस तरीके से इस होल से सनलाइट यानी बीम के रूप में आती है और उस लाइट में जो भी कण आते हैं उनके रास्ते साफ दिखते हैं, ठीक उसी तरीके से इस टार्च की लाइट के संपर्क में जो भी कण आएंगे उनका रास्ता जो है क्या होगा, बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। और ये टार्च जो है इस कोलाइडी विलयन में एक कोन की तरफ हो, कोन की तरह बिहेव कर, देखो कोन की तरह दिख रहा ना, तो इसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो इस तरीके के इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव, ठीक है। अगला है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, लाल पीला, ठीक है, ये सब ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने की वजह है प्रकाश का परकीर्णन। अब ये कैसे होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आकाश की जो मतलब सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश किरणें हैं उसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य जो है किसकी होती है, लाल की होती है, और नीले की उसकी अपेक्षा कम होती है, ठीक है। जितना तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की होती है उसका 1.8 गुना होता है किसका, लाल का, ठीक है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण ये जो है प्रकाश परकीर्णित नहीं हो पाती, लाल रंग वाला परकीर्णित नहीं हो पाता, और नीला रंग जो है आसानी से क्या हो जाता है, परकीर्णित हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आकाश का रंग हमको नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का वजह यही है कि जो हमारे सूर्य की प्रकाश आती है उसमें जो है, ठीक है, सबसे ज़्यादा परकीर्णित होने वाला रंग कौन सा है, नीला। नीला रंग सबसे ज़्यादा परकीर्णित होता है और हमारी आँखों तक पहुँचता है, ठीक है। तो जो रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है वही चीजें हमको दिखाई देती हैं, ठीक है। अगला लास्ट, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, सूर्य का रक्ताभ होना, ठीक है, बिल्कुल रक्त की तरीके से लाल होना, इसमें क्या चक्कर है, इसमें भी प्रकाश का वही परकीर्णन का चक्कर है, ठीक है। कैसे, देखो जब दोपहर का टाइम होता है तो सूर्य हमारे बिल्कुल ठीक ऊपर होता है, बिल्कुल ठीक ऊपर होता है, ठीक है, और जब बिल्कुल ठीक ऊपर होता है तो ये हमको सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक है। सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ से आने वाली प्रकाश जो है, जब सूर्य जो है बिल्कुल
सिर के ठीक ऊपर होता है, तो इस समय सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है और सबसे कम दूरी जो है प्रकाश को तय करना होता है। जब प्रकाश को दूरी कम तय करनी होती है तो यहाँ से आने वाली जो भी प्रकाश किरणें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकीर्णित हो ही नहीं पाती, ठीक है। जब प्रकाश किरणें प्रकीर्णित नहीं हो पाती है या कम प्रकीर्णित हो पाती हैं, तो कम प्रकीर्णित होने की वजह से पूरी प्रकाश जो है हम तक पहुँचती है और इसका रंग जो है बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है कि अधिकांश चीज़ें, जैसा कि मैंने कहा, नीला रंग और जो भी रंग है, इन सब की तरंग दैर्ध्य कम होने की वजह से ये आसानी से प्रकीर्णित हो जाती हैं, ठीक है। ये आसानी से, बहुत ही आसानी से क्या होती हैं, प्रकीर्णित हो जाती हैं। और प्रकीर्णित कौन नहीं हो पाता, लाल रंग की जो प्रकाश है वो कम प्रकीर्णित हो पाती है और सबसे पहले हमारी आँखों तक वही केवल पहुँचती है। इसलिए जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है, पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है और दूर होने की वजह से और जो कलर हैं, ठीक है भाई, सूर्य के प्रकाश में 7 कलर बताए गए हैं, ठीक है, बैंगनी, जामुनी, नीला, ठीक है, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सब वर्ड कलर हैं। तो इसमें से सब प्रकाश किरणें लगभग लगभग प्रकीर्णित हो जाती हैं और लाल प्रकाश किरण जो है आपका प्रकीर्णित नहीं हो पाता है और यही जो है हमारी आंखों तक पहुंचता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ठीक है। इसीलिए हमें सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। क्लियर हो गया? तो ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। कल इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर विद्युत धारा, ठीक है। अगर इस चैप्टर में किसी को कहीं कोई डाउट हो या कोई टॉपिक आपका ऐसा है जो आपको कम समझ में आया है, तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको जो है हम न्यूमेरिकल बताने के ठीक बाद समझा देंगे, ठीक है, ओके।